चौधरी लाल सिंह अभी भले इस घंटे तक हमने आपको उनका लाइव शो भी दिखाया, इस समय चौधरी लाल सिंह जो है वापस बानिहाल की तरफ जा रहे हैं जहां पे वो एक और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। फिलहाल चौधरी लाल सिंह जो है वापस चापर की ओर रुजू कर रहे हैं और लोग जो है उनके साथ जोग दर जोग जुड़ रहे हैं और उनका किस तरीके से यहाँ पे इस्तकबाल भी किया गया वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये गुलाम नबी आज़ाद की अपना आबाई गांव भी है, अपना आबाई सरजमीन भी है। तो चौधरी लाल सिंह का फिर भी इस तरीके से इस्तकबाल करना ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि DPAP के बाद फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा दबदबा खिताई चिनाब के अलावा भलेसा में भी है। तो फिलहाल ये रैली आप देख लीजिए, ये रोड शो जो है अभी वापस चौधरी लाल सिंह को ड्रॉप करने जा रहा है। लोग जो है जोग दर जोग जुड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा हुजूम जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तमाम लोग जो है इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भलेसा में तारीखी जलसा कहा जाएगा इसको। और इस तरफ भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वापस ड्रॉप करने जो है लोग, कितने लोग जो हैं हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग जो हैं जुड़े हैं और वापस चौधरी लाल सिंह को ड्रॉप करने ये लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हुजूम जो है वो यहाँ पे बनाया है और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से लोग जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो पुल यहाँ पे है, एक बाईफुट जिसे कहा जाता है, बाईफुट जो है लोग इस पर चल रहे हैं और किस तरीके से पुल ये अभी हिल रहा है, मगर लोग जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक हुजूम सा लोगों का जमावड़ा जो है, तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग जुड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पे पहले सबसे पहले सुबह ही अलल सुबह चौधरी लाल सिंह का इस्तकबाल किया गया। उसके बाद उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया तो अपना चुनाव निशान वो भी लोगों को बताया कि किस नंबर पे कांग्रेस का चुनाव निशान है। चुनाव निशान का नंबर उन्होंने 4 नंबर बताया और अपनी डोगरी भाषा में भी बताया और हिंदी जुबान में भी बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है आप पार्लियामेंट में कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी अक्सरियत से जिताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं आज हज़ारों की तादाद में हमारे साथ आए हैं, लोगों ने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हमारे पास की, मगर उन्होंने बताया कि वक्त की किल्लत हमारे पास है, जिस किल्लत की वजह से मुझे आज आखिरी दिन डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें आखिरी दिन कंपेनिंग का है, तो उसको मैंने आज क्लोज करना है। और वो वापस बानिहाल जा रहे हैं और उसके बाद बानिहाल जाने के बाद उन्होंने वापस कठुआ भी जाना है। तो मतलब ये कि अभी भी चौधरी लाल सिंह के पास कम वक्फे में लगभग 2 से 3 जलसे अभी भी करने हैं। तो लोग जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पे है, लाखों की तादाद में है और नाच नगमे नगाड़े जो है अभी बजाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है काफ़ी उत्साहित है चौधरी लाल सिंह को लेके, चौधरी लाल सिंह को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। आप खुद ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हैं। तो एक अंदाज़ा आपके पास भी होगा, आंकलन आपके पास भी होंगे कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं इस जलसे जुलूस में जो आज चौधरी लाल सिंह ने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। हालांकि दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनका साफ तौर पर ये मानना भी है कि कम से कम अभी 100 गाड़ियाँ इनके पास बाकी और भी आने वाली थी चिल्ली गली बटोली से, ठाठरी और बटिया से, मगर इन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं नहीं आ पाए क्योंकि किसी तकनीकी कारण की वजह से, या यूँ कहिए कि जो इल्ज़ामात इन पे ये भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारकुनान ने उनकी गाड़ी जो है वो रोकी है। अब किस वजह से वो हमें बात पता नहीं है, उस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ये बात तथ्यों के आधार पर मबनी है, ये बात सच है या नहीं है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, मगर ये कहा जा रहा है। ये देख लीजिए आप चौधरी लाल सिंह जो है उनको लोगों ने कंधे पे उठाया है, लोगों ने चौधरी लाल सिंह को कंधे पे उठाया है और वापस जो है लिया जा रहा है। तो अभी चौपर में ये बैठ जाएंगे और उसके बाद
मुझे लगता है चौधरी लाल सिंह ने अपने शूज जो हैं खोले हैं। चौधरी लाल सिंह जो है शायद अपना शूज वगैरह उतार रहे हैं, अब टाइट कर रहे हैं या नंगे पैर चल रहे हैं। काफी ज्यादा हुजूम है, चौधरी लाल सिंह के साथ काफी ज्यादा हुजूम जो है देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा भी चौधरी लाल सिंह के साथ, जो ये दर्शाता है कि जो इंडिया अलायंस है, अलायंस अभी भी जिंदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे के साथ साथ चल रहा है, तो ये दर्शाता है कि अलायंस जो है अभी भी शाना बशाना चौधरी लाल सिंह को समर्थन करने जा रही है। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जमा हुए हैं, चौधरी लाल सिंह को यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा और चौधरी लाल सिंह इसके बाद वापस बानीहाल की तरफ जाएंगे। चौधरी लाल सिंह जो है वापस बानीहाल की तरफ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हुजूम इसे कहा जाएगा, मतलब यूँ कहिए कि गुलाम नबी आज़ाद के आबाई गांव में गुलाम नबी आज़ाद की जहाँ छाप हुआ करती थी, उसी छाप में आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी संख्या, इतनी तादाद जो है गुलाम नबी आज़ाद की रैली में नहीं देखने को मिली थी जितनी संख्या चौधरी लाल सिंह की इसमें देखी गई। तो फिलहाल अभी भी लोग जो हैं घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, लोग जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरफ अगर पुल के पार देखें आप तो अभी भी लोग जो हैं चल रहे हैं। हालांकि पुल पे ये भी कहा जा रहा है जो पुलिस वाले वहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे तैनात है, बहुत कम लोगों को पुल पे चलने की इजाज़त दी जा रही है। बहुत कम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता पुल पे चलें ताकि किसी भी किस्म का नुकसान यहाँ पे देखने को ना मिले, क्योंकि ब्रिज जो है, ये पुल जो है उतना वेट जो है नहीं उठा सकता है। तो पुलिस वाले जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उस पार तैनात और लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। और इस पार भी अभी भी बहुत ज़्यादा हुजूम जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग अभी भी इस पुल पे चल रहे हैं और बाकी जितने भी लोग जो हैं इस पुल के इस पार जो हैं अभी भी वेट कर रहे हैं कब चौधरी लाल सिंह वापस जाए और ये लोग भी अपने घर की तरफ रुजू करेंगे।